और आइए आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरें आप तक पहुंचाते हैं। अयोध्या गैंगरेप केस से जुड़ी एक बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा देते हैं, जहां डीएनए जांच के लिए सैंपल लिया गया है। केजीएमयू में चल रहा है पीड़िता का इलाज, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। डीएनए रिपोर्ट के आधार पर आरोपियों की होगी अब पहचान, गर्भपात के बाद डीएनए जांच की जा रही है, जिसकी मांग समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार कर रहे थे। अब डीएनए जांच के बाद तस्वीर साफ हो जाएगी, सैंपल लिया गया है, डीएनए रिपोर्ट के आधार पर दोषियों की पहचान होगी। अयोध्या गैंगरेप से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट, जिसमें गैंगरेप करने वाले आरोपियों को पकड़ लिया गया है, अब जो पीड़िता है उसका मेडिकल कराया जा रहा है, डीएनए टेस्ट कराया जा रहा है, जिसकी मांग लगातार की जा रही थी। डीएनए टेस्ट होने के बाद तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाएगी। केजीएमयू में इस समय पीड़िता मौजूद है, इलाज वहां चल रहा है, डीएनए रिपोर्ट जल्द आ जाएगी सामने और डीएनए रिपोर्ट के आधार पर ही आरोपियों की पहचान होगी। गर्भपात के बाद डीएनए जांच की जा रही है, जिसके लिए सैंपल्स लिए गए हैं, डीएनए रिपोर्ट के आधार पर दोषियों के खिलाफ अब कार्रवाई होगी और दोषियों की पहचान होगी। संकेत और जानकारी के साथ फोन लाइन पर मौजूद है। संकेत, क्या अपडेट है? मेडिकल इस समय चल रहा है, डीएनए जांच की जा रही है, कब तक रिपोर्ट आ जाएगी? बिल्कुल, देखिए, जो अयोध्या में सामूहिक दुष्कर्म मामला था, उसमें पीड़िता का केजीएमसी में उसे भर्ती कराया गया था कल, और केजीएमसी से क्वीन मेरी जो कि महिलाओं का अस्पताल है वहां पर उसका इलाज चल रहा है और वहां पे ही गर्भपात कराया गया है। उसके बाद डीएनए की जांच के लिए भ्रूण का सैंपल ले लिया गया और इसे लैब के लिए भेज दिया है। दरअसल डीएनए रिपोर्ट के आधार पर दोषियों की पहचान कराने की तैयारी की जा रही है, और जो गर्भपात का मामला है इसमें सीधे तौर पर जो नियमानुसार ये पूरी कार्रवाई की गई है, कानूनों के तहत ये कार्रवाई की गई है, और इसके लिए अब चूंकि पीड़िता जो है जो उसका इलाज चल रहा है, चिकित्सीय टीम जुटी हुई है इलाज में, और वहीं दूसरी तरफ जांच को भी गति मिल रही है। डीएनए जांच के लिए भ्रूण का सैंपल ले लिया गया है, जल्द ही डीएनए रिपोर्ट आएगी। टेस्ट की मांग लगातार कर रही थी, तो अब ऐसे में डीएनए टेस्ट किया जा रहा है, जल्द रिपोर्ट आ जाएगी सामने। संकेत, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।